बुलंदशहर पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार ऐसे तस्करों की धर पकड़ रही है जो तस्कर जिंदगियों को तबाह करने वाले नशे के सामानों को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाते हैं। जहां 24 घंटे पहले बुलंदशहर की नरौरा पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की थी, तो वहीं बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने आज एक ऐसे तस्कर को 1 करोड़ की गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जो तस्कर करीब 9.5 क्विंटल गांजे को ट्रक में मक्का के बीच छुपा कर ले जा रहा था। तस्कर गांजे को उड़ीसा से लाए थे, जबकि ये गांजा दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ठिकाने लगाया जाना था। दरअसल बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस को उसके लोकल इंटेलिजेंस से ये जानकारी मिली थी। देखिए, बीती रात एक चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लगभग 9.5 क्विंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, एक ट्रक जिसमें मक्का लदा हुआ था और उड़ीसा से आ रहा था, हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, उसी के आधार पर चेकिंग के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है, गांजे की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो उस ट्रक का सहचालक है वो गिरफ्तार हुआ है, 2 भागने में सफल रहे हैं जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। यह बिल्कुल अंतर राज्यीय स्तर का एक गिरोह है जो उड़ीसा से गांजा ला करके दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सप्लाई करता है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इनका मिल नहीं पाया है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही शातिर गैंग है और मक्के के ट्रक में गांजे को छुपा करके ला रहा था। कि कुछ तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तस्करों की घेराबंदी की, मगर इस दौरान ट्रक में सवार 2 तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने 1 तस्कर को ट्रक समेत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से करीब 1 करोड़ की कीमत का 9.5 क्विंटल गांजा बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।